इस वक्त की बड़ी खबर अरवल जिले से है, जहां अरवल जिले में दो अलग अलग जगहों पर सड़क दुर्घटना में कुल 7 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें 5 लोगों का इलाज अरवल सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। वहीं एक को पटना PMCH बेहतर इलाज को लेकर रेफर कर दिया गया है। वहीं बताया जाता है कि औरंगाबाद जिले के हसपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बंतारा गाँव निवासी यूसुफ खान 45 वर्षीय अपने दो बेटे मुशर्रफ खान और सदत खान के साथ भेड़रिया इंग्लिश से शादी समारोह से अपने गांव बंतारा जा रहे थे। तभी अरवल जिले के तेलपा ओपी क्षेत्र अंतर्गत बेलखारा छिलका के समीप मोटरसाइकिल से तीनों लोग सवार होकर जा रहे थे, तभी आमने सामने की भिड़ंत ऑटो में हो गई, जिससे कुल 5 लोग जख्मी हुए, जो 2 लोग मामूली रूप से जख्मी थे, जिनका इलाज आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से निजी क्लिनिक में कराया जा रहा है। वहीं 3 लोगों को अरवल सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जैसे ही सूचना तेलपा ओपी थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार को हुई, तो तुरंत अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से ऑटो को जब्त किया। वहीं ऑटो ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है। वहीं कृष्ण कुमार अपने दल बल के साथ अरवल सदर अस्पताल भी पहुंचे, जहां घायल लोगों से पूछताछ कर लापरवाह ऑटो ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा भी घायल लोगों के बयान पर दर्ज कर लिया गया है। वहीं करपी के समीप बाइक पर 2 लोग सवार होकर देवकुंड से लौट रहे थे, तभी अनियंत्रित होकर पेड़ में जा टकराए, जिससे दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, जिनका भी इलाज अरवल सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। बताया जाता है कि दोनों घायल एक 25 वर्षीय धनंजय कुमार जो इमामगंज बाजार के रहने वाले हैं, वहीं 15 वर्षीय राजकुमार कुर्था थाना क्षेत्र अंतर्गत मुसाड़ी गांव के रहने वाले हैं। दोनों देवकुंड से अपने अपने घर लौट रहे थे, एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी अनियंत्रित होकर बाइक पेड़ में जा टकराया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से दोनों घायल युवक को अरवल सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं चिकित्सकों के द्वारा बताया गया कि यूसुफ खान के पुत्र मुशर्रफ खान को पटना PMCH बेहतर इलाज को लेकर रेफर किया गया है, बाकी का इलाज अरवल सदर अस्पताल में ही किया जा रहा है। वहीं तेलपा ओपी थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार के द्वारा बताया गया कि बेपरवाह चलाने वाले ऑटो ड्राइवर के खिलाफ घायल लोगों के बयान पर मुकदमा दर्ज की गई है और जो भी मामले सामने आएंगे जिसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हर छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।